फिर इस दिन को याद करेंगे, क्या जवानी था, क्या हम लोग उस जमाने में क्या सब। आदमी इसी तरह अपना जीवन काट लेता है और काटते काटते एक दिन बेचारा चला जाता है। फिर कुछ लोग उसके जो हितैषी लोग होते हैं याद करते हैं कभी कभार। एक बाबा हुआ करते थे, बड़े अच्छे थे, पटना के लॉज में पढ़ते लिखते भी थे, लेकिन कुछ किए नहीं थे वो बेचारे, बाएं दाएं करते थे, याद करते हैं लोग। क्यों नहीं, याद किसको किया जाता है? याद उसको किया जाता है जिसने कुछ किया है। जो कुछ नहीं करता उसको कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता। आना है, जाना है, जाना भी निश्चित है, लेकिन ये बात लोग सुनना नहीं चाहता। ये मत बोलिए, सिर्फ आने की बात बोलिए, जाने की तो चर्चा ही नहीं करिए, है ना? अगर किसी के घर में जाइए और उसको कहिए चाचा प्रणाम, कब जाइएगा, तो वो कहेगा अरे सुबह सुबह भांग पी के आया, क्या बोल रहा है तू? जाने की बात मत कर, रहने की बात कर, परमानेंट। लेकिन ये तो सत्य है, इसलिए भैया इस सत्य को जो जितना जल्दी समझ ले वो जीवन में आनंदित रहेगा, नहीं तो पूरी दुनिया परेशान है। हर घर की परेशानी है, आपकी परेशानी अलग है, लेकिन कोई इन दिनों परेशानी से मुक्त नहीं है। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ देख के परेशान लोगों को, ये परेशान आत्मा है, इन दिनों धरती पर कहाँ से जन्म ले लिया है, सब परेशान है। भैया इन परेशान आत्माओं को उनके अंदर उत्साह भरने के लिए, उमंग भरने के लिए, उनको जीवन का स्वाद चखाने के लिए, ये जीवन जो है स्वादिष्ट है इसका आनंद कैसे लिया जाए, इसी के लिए यूथ एक्सपो किया जाता है। अभी तक आपको ये स्वाद नहीं मिला है, आप जो स्वाद लेते हो वो क्षणिक स्वाद होता है, वो क्षणिक स्वाद। परमानेंट आनंद कहाँ मिलता है? अभी आप क्या खोज रहे हो? नौकरी खोज रहे हो, नौकरी के बाद शादी होगा आपका, एक दिन आनंद मिलता है जिस दिन बारात निकलता है, हैं? आज भैया का बाराती है, क्या बात है साहब, जिसका अनुभव हम लोगों को अनुभव है, आप लोग तो अभी उस दिन लगता है कि आज के मुख्यमंत्री हैं हम। मुख्यमंत्री का जैसे काफिला चलता है 20-25 गाड़ियों का काफिला, अरे क्या बात है, सब पूछता है, सब देखता है, सब आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है उस दिन, भैया मेरा भी ले लेना है। लेकिन उसके बाद फिर आपके साथ कोई नहीं होता, इसलिए भैया ये समझ लो, ये परिवर्तन ना तो किसी को कह के आता है, ना किसी को समझा के आता है, वो आते चला जाता है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है, कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही भाग ले लेते हैं। अभी भी एक परिवर्तन हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है, सृष्टि में परिवर्तन चल रहा है, पूरी दुनिया में परिवर्तन चल रहा है। शायद आप दुनिया को समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इन दिनों पूरे विश्व में परिवर्तन चल रहा है। पूरा विश्व जो है वो शांति की खोज में है, लेकिन उसको शांति मिल नहीं रहा है, चारों तरफ अशांति है। जो शांति देने वाला देश है, जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है इस क्षेत्र में, वो कौन है? ये अपने अशांत है, ये भी अशांत है, चौकी पर सो रहा है, पता नहीं कब तक सोएंगे। पूरी विश्व को अगर शांति देने का कोई काम कर सकता है तो वो भारत है, और भारत की जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ है? यहाँ बैठा है, अभी ठंडा आया नहीं, स्वेटर पहन लिया साहब, ठंडा भी डरा गया, गर्व से कहो हम हैं बिहारी, हमको नौकरी चाहिए स्वेटर पहन के। अच्छा साहब, मैं कहता हूँ अच्छा है पहनो साहब, बुखार उखार लग गया होगा आपको, ये बात मैं कह रहा हूँ। ये परिवर्तन किसी को कहे सुन के नहीं आता, लेकिन जो इसमें भागीदार होते हैं उनको श्रेय मिलता है, सम्मान मिलता है। भगत सिंह को ये पता नहीं था कि देश आजाद होगा कि नहीं होगा, उस आप लोग होते तो हिसाब किताब लेके बैठते, नहीं हुआ तो पागल है, जीवन बनाओ, रेलवे में नौकरी ढूंढो, पीओ बनो, बच्चा पैदा करो, घर बनाओ। शायद भगत सिंह को किसी ने ये नहीं समझाया था, उस समय मोटिवेटर नहीं रहे होंगे, क्या जाने कौन सा जुनून था, परिणाम की चिंता नहीं। युवा कौन होता है? युवा किसको कहते हैं? जो कभी परिणाम की चिंता करता ही नहीं है, देखा जाएगा।
आप लोग क्या करते हो, हमेशा किस चीज की चिंता में डूबे रहते हो, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो? इससे आपकी शक्ति क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, आपके अंदर ताकत घट रहा है, आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं, आप अपने मूल चीजों से भटक रहे हैं। और मैक्सिमम एनर्जी आपका कहां लग रहा है, निगेटिव एनर्जी में लग रहा है। इसलिए भैया परिणाम की चिंता करने वाले लोग, कर्म करिए ना, मैथ पढ़ते हैं डूब के पढ़िए, डूब जाइए उसमें। नहीं साहब डूबते कहे, मैथ पढ़ते पढ़ते लगता है इस बार ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा पलट। अध्यात्म है ये, आप ना जाने कौन सा अध्यात्म खोज रहे हो, कौन सा धर्म खोज रहे हो। हम तो कहते हैं यही धर्म है, जो करो वो क्या करके करो, डूब के करो, डूबो उतना ही बताइए जितना इस बार ढुक जाए, ज्यादा मत बताइए सर, टाइम नहीं है, पैसा दिए हैं आपको, उतना ही बताइए, उतना में हुआ तो हुआ, नहीं तो हम गए घर। ये ऐसा युवा चाहिए, ऐसा युवा नहीं चाहिए जो छोटे छोटे परिणाम को लेकर वो बेचैन हो, चिंतित हो, परेशान हो, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती, ऐसी शक्ति चाहिए। और ये इसी के लिए हम लोग यूथ एक्सपो करते हैं। क्यों करते हैं यूथ एक्सपो कार्यक्रम, तो बिहार में बहुत होते रहता है, एक से एक मुस्टंडे लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन साहब इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है, लोगों को जगाओ, लोगों को जागृत करो, खासकर युवाओं को जागृत करो, उनको बताओ कि साहब ये जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है, इसको जीने का तरीका। 25 वर्ष, अगले साल हम अपना 25 साल मनाने जा रहे हैं, 25 साल है, 25 साल समझते हैं, 25 साल समझ में है, जन्म नहीं हुआ होगा कितनों का इसमें, कितने चिहुक रहे होंगे, पैर हाथ अंदरे मार रहे होंगे, निकलना है अब, जल्दी निकाल दीजिए, अंधेरा है अंदर है? 25 साल कल्पना करते हो आप, एक ही गति, एक ही रफ्तार, कोई चिंता नहीं कि आप बदलोगे कि नहीं बदलोगे, मुझे जानकारी नहीं है। कर्म में विश्वास, युवा मंडल इसी का परिणाम है। आज पूरे देश में इस युवा मंडल की चर्चा इसलिए होती है, हम अगर सोचते साल दो साल कर लिए, अब लोग बदले कि नहीं बदले, आप करते चलो, परिणाम की चिंता मत करो। इसी बिहार में किसी ने पहाड़ खोदा, खोदना शुरू कर दिया, अगर वो सोचता कब तक होगा, ये छेनी हथौड़ी कब तक चलाएंगे, ये पहाड़ तो लंबा चौड़ा है, तो शायद उसका नाम आज हम लोग नहीं जान रहे होते, शायद उस पर फिल्म नहीं बनता माउंटेन मैन, शायद उसके गांव में आमिर खान नहीं आते, आपके आपके बाबा को पूछने कोई आया, आपके बाबा को कोई जानता है गांव वाला? हाँ जानता है, नहीं जानता है इसलिए क्यों, आपके बाबा ने क्या किया, हमारे बाबूजी को पैदा किया, और क्या किया, हमको खिलाए, लल्ला आया है, लल्ला यहां दाढ़ी मोच लेके बैठा है, कुछ नहीं किया, क्यों जाने, अरे दुनिया में आए हो जाना भी है, कुछ ऐसा करो कि जाने के बाद भी तेरी हस्ती मिटे नहीं। यह है जवानी, जवानी उसको कहते, जवानी उसको नहीं कहते हैं कि जो जवानी इन दिनों दिखाई पड़ रहा है रोडों पर सड़कों पर, कोई नहीं पूछेगा, गली का कुत्ता भी मुस्कुरा रहा है देख के झुलफी वाला, चलिए डाक बंगला पर, मैं आपको न्योता देता हूं, चलिए डाक बंगला चौराहा पर, जितना झुलफी वाला है सब कुल्फी बेच रहा है, क्या करोगे झुलफी लेके, तेरे ना है, कोई चवन्नी भी नहीं फेंकेगा, ये चवनिया हीरो है, पहले गांव में चर्चा अब तो नहीं होता, जो कहते थे ये चवनिया हीरो है, माफ करना, हीरो हीरो किसको कहते हैं, हीरो का हिंदी क्या है, हीरो का हिंदी वीर, योद्धा, साहसी, नायक। हीरो कौन, गांधी। हीरो कौन, पटेल। हीरो कौन, एक से एक हीरो।
चौकी पर सोने वाला अभिनंदन अगर ये सोचता किसी ने नाम ले लिया, बिहारी लोगों का ये बड़ा विशेषता है, नाम खूब लेता है। आज जब उसको कहो आओ बउआ ये आपकी विशेषता है, हम आएंगे नहीं, हम खाली नाम लेंगे और ताली मारेंगे, कल पिटवा। ये बेऔकात लोगों को किलो के भाव से भी कोई खरीदेगा? हरेक माल हरेक माल हरेक माल। अभी सोनपुर मेला में चलो, सोनपुर मेला गए हो? वहां बहुत दुकान, मुझे जाने का दो तीन बार मौका मिला, वहां जितना दुकान, मैंने सोचा सोनपुर मेला वहां जितना दुकान है सब पर हरेक माल, हरेक माल 8 रुपया, हरेक माल 10 रुपया, हरेक माल 15 रुपया, हरेक माल। अरे साहब जवानी को जगाओ, जवानी उसको कहते हैं जिसके चेहरे को देख के जलते हुए दीपक ही दूसरे दीपक को जलाता है, इसलिए ऐसी जवानी हो। ये यूथ एक्सपो इसके लिए हम कर रहे हैं। और बिहार में ताकत तो है, ये बात मैं नहीं कहूंगा कि ताकत नहीं है, अगर कोई क्रांति गुजरता है बिना बिहार के संभव नहीं है, पावर है बिहार के पास। जितनी भी क्रांति हुई है उसका प्रारंभ कहां से हुआ है? बिहार से।